कीर्ति अपना हरे को पूरा कर मिल के हम आ गई अब तो तेरी पनाह में सांसें तेरी हम जो भर मिल के आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की असीम आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें जो उसने हम पर बरसाई है। प्रभु का वचन कहता है कि जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र नहीं बनाएगा तुम स्वतंत्र नहीं होगे। आज के पाठों में हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु अपने पिता का ऐलान करते हुए अपने पिता के संबंध को हम सभी के बीच में बांटते हैं। आज का प्रभु का वचन हमारे लिए एक प्रकार का उजाला लेकर आएगा। अगर हम दिल की गहराई से अगर उसके तथ्य को पहचानते हैं तो वह तथ्य हमें उस ईश्वर के प्रति, उस मुक्तिदाता प्रभु के प्रति अपने विश्वास को अटूट बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने आप को इस पवित्र वेदी पर, अपनी प्रार्थनाओं को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हैं तो हम यह ऐलान करते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करते हुए, उसके पवित्र नाम पर विश्वास करते हुए अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं और प्रभु की चंगाई के लिए ललायित है, तैयार है एवं प्रभु से अपने संबंध को बनाए रखने के लिए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार है। कुशन मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आप को उस पवित्र लहू के अंदर डालें जो हमें शुद्ध करता है, जो हमें मुक्ति देता है। कुशन मौन रूप से हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को, हमारी मनोकामनाओं को, हमारी आकांक्षाओं को हम प्रभु को अर्पित करते हुए इस पवित्र वेदी पर जिस किसी के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं उनका नाम लेते हुए उन्हें इस पवित्र वेदी पर रखें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुकारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे दयालु ईश्वर, तेरे पुत्र पुत्रियों का हृदय प्राश्चित से शुद्ध हो गया है, अब इन्हें अपनी ज्योति से आलोकित कर दे। जिन लोगों को तू भक्ति का वरदान देता है उनकी दिन याचना पर ध्यान दे, या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 3-9 तक। तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रो, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य, प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष, अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अब्दूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो। यद्यपि तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता हूँ, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचनों में जब हम सुनते हैं कि किस प्रकार इब्राहिम को यीशु अपने शब्दों के माध्यम से बताते हैं, बयां करते हैं कि इब्राहिम कौन है और इब्राहिम को किस दर्जे पर प्रभु यीशु अपने आप में बताते हुए इब्राहिम के बारे में बताते हैं, उस संबंध के बारे में बताते हैं जो पिता और उनका संबंध है। क्योंकि आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार लोग उनसे कहते हैं कि हमारा पिता इब्राहिम है, लेकिन प्रभु उस तात्पर्य को बड़ी उत्सुकता के साथ में, बड़ी कठोरता के साथ में उनके सामने उसका जवाब देते हैं कि तुम्हारे पिता इब्राहिम, तुम्हारे पिता इब्राहिम, जिसके बारे में हम पूरे सप्ताह यह सुनेंगे, पिता और पुत्र का जो संबंध है, प्रभु अपने पिता ईश्वर को कहते हुए उस संबंध को किस प्रकार से हमें बताते हैं, उस संबंध से किस प्रकार का हमारा और ईश्वर का संपर्क है उसको दर्शाते हैं। और यही बात प्रभु बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि इब्राहिम के पहले मैं विद्यमान था। प्रभु अपने आप को इब्राहिम से पहले के जो संबंध है उसके बारे में लोगों को खुल के बताते हैं। और यही बात हम नबी इसाइयस के ग्रंथ में पाते हैं कि किस प्रकार नबी इसाइयस कहते हैं कि उसका जो दायित्व है वह अपने दायित्व को निभाते हुए अपने पिता के संपर्क को संजोए रखता है और किस प्रकार वह अपने आप को उस पिता के संपर्क को साध कर अपने आप को लोगों के बीच में प्रकट रूप से कहता है। यही बात जब हम दूसरे नबियों के विषय में देखते हैं कि किस प्रकार नबी योना अपने जीवन में जब ईश्वर के बताए हुए रास्ते को छोड़ते हुए जब वह ईश्वर की योजना के विरुद्ध जाता है तो वह किस प्रकार से ईश्वर को महसूस करता है, और जब वह लोगों के बीच में जाकर वह पश्चाताप का पैगाम सुनाता है तो लोग विश्वास करते हैं। और यही बात हम आज प्रभु के वचनों में देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु सटीक रूप से, प्रभु एकदम पॉइंट करके उन लोगों को कहता है। और यही बात है कि कई लोग प्रभु के विरुद्ध इसलिए भुनभुनाने लग गए थे, इसलिए होने लग गए थे क्योंकि प्रभु जो इतिहास है, जो साहित्य है, जिसका प्रचार यहूदी समाज में किया जाता था, प्रभु उसका समावेश अपने जीवन के माध्यम से बताते हैं और उस भविष्यवाणी को पूर्ण करते हैं जो नबियों ने प्रमुख रूप से प्रभु यीशु के एक मसीह के रूप में, एक मसीह के आगमन को दर्शाते हुए उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं तो आज का सुसमाचार पाठ हमें उस इब्राहिम के बारे में बताता है जो कि फादर ऑफ फेथ के रूप में कहा जाता है। यहूदी समाज के लिए फादर ऑफ फेथ, इवन क्रिश्चियनिटी के लिए फादर ऑफ फेथ इब्राहिम को दर्शाया जाता है, लेकिन प्रभु आज उस फादर ऑफ फेथ, उस विश्वास के पिता के बारे में कहते हैं कि मैं उससे भी पहले हूँ। आई एम बिफोर अब्राहम, आई एम मतलब प्रभु आई वॉस नहीं बोलता है इंग्लिश के अंदर, अगर हम देखेंगे तो प्रभु आई वॉस नहीं बोलता है, प्रभु बोलता है आई एम। इंग्लिश के जो उच्चारण में हम देखते हैं आई एम का जो महत्व है वह बहुत ही प्रमुख महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि जब मूसा को दर्शन मिलता है तो दर्शन में मूसा सबसे प्रथम यही पूछता है, हु आर यू लॉर्ड, एंड उसको जो रिप्लाई मिलता है, जो ईश्वर उसे कहता है कि आई एम हु आई एम। और यह दायित्व, यह जो व्यक्तित्व ईश्वर अपने प्रजा को बताता है, यह एक बहुत ही प्रमुख बात है जो प्रभु स्वयं अपने वचनों के माध्यम से कहता है। प्रभु अपने रिश्ते को दर्शाते हुए कहता है कि वह उस ईश्वर से आया है जो ईश्वर खुद अपने आप में ही एक बहुत ही प्रमुख बात है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने प्रभु यीशु
पर मनन करते हैं, उसके दुख भोग को, उसके रिश्ते को, जब पिता के रिश्ते को देखते हैं, तो वह अपने आप को उसका पुत्र कहते हुए हम सभी को यह कहता है कि हम भी उसके पुत्र पुत्रियां हैं, जिस प्रकार हम हे पिता हमारी प्रार्थना में सुनते हैं। और यही प्रार्थना हम सभी के लिए एक प्रमुख प्रार्थना है जो प्रभु येसु ने हमें सिखाई है, जो सभी बातों का समावेश है, जो हमें परीक्षा में ना डालने के लिए प्रभु से ईश्वर से प्रार्थना करता है। और हम यही प्रार्थना पूरी की पूरी प्रभु येसु के जीवन में देखते हैं, जो कि हम आने वाले पुण्य सप्ताह में सुनेंगे और पुण्य सप्ताह में हम उसे महसूस करेंगे। आइए क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के आनंद से परिपूर्ण होने के लिए, प्रभु के आनंद से विभोर होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, उस प्रभु को जो हमारे साथ में रहता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाता है। आइए क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें एवं प्रभु से हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की चंगाई के लिए प्रार्थना करें कि हम हमारे विश्वास में मजबूत होते हुए प्रभु की चंगाई को, प्रभु के चमत्कार को, प्रभु के वचनों को हम हमारे जीवन में अपनाएं एवं उस पर चलते हुए निरंतर दूसरों को प्रभु का सुसमाचार फैलाएं। मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने दीन भक्तों के निकट रह और तेरी दया पर भरोसा रखने वालों की स्तुति ले। हे प्रभु, हमारे इन बलिदानों पर दया दृष्टि डाल, ये हमारे मन परिवर्तन तथा सारे संसार की मुक्ति में सहायक सिद्ध हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जीवंत ईश्वर का स्तुति गाई हम सब मिल गए, जीवंत ईश्वर का स्तुति गान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान,
पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके व संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। ईश्वर ने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे अर्पित कर दिया। उसके साथ ही उसने हमें सब कुछ प्रदान किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल, ताकि हम तेरे प्रति अप्रिय व्यवहार त्याग कर तेरी आज्ञाओं के अनुसार सदाचरण करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। सुनी कलवारी दुख क्यों सहलिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं मुझ में, कोई भी खूबी नहीं मुझ में, कोई
सुनी कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी।